आकाश का कुछ पता चला? नहीं, वो जिस लाइब्रेरी जाता है वहाँ मैंने फोन किया था, भाग नहीं गया आज। कहीं निशा को आकाश के बारे में पता तो नहीं चल गया? कितना भी भाग लो, यहाँ से तुम जा नहीं पाओगे। अगर चाहती हो कि इन हसीन फोटोज के पोस्टर्स पूरे शहर में ना लगे, तो अगले आधे घंटे में पूरे 50 लाख रुपए लेकर बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाओ। बिनी, बाहर जाना था ना, चले? नहीं नहीं, इसमें क्या है बिनी, लो मैं हेल्प कर देता हूँ। नो, इट्स ओके, आई विल हेल्प मायसेल्फ। अभी कैसे जाऊं? आकाश को तो मैं कुछ बता भी नहीं सकती। अगर आकाश ने ये पिक्चर्स देख भी ली तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी मैं तो कंफर्टेबली थी ना ऐसा फोटोशूट करवाने के लिए, फिर अब क्यों आकाश के सामने मुझे इतना अजीब लग रहा है? बिनी, क्या सोच रही हो, चले? आकाश, I'm so sorry, मुझे कहीं और जाना है। अजिया कैसे आरती कर रही है अर्जुन? क्योंकि काकी माँ तो एक रात में इतनी पतली नहीं हो सकती। काकी माँ बोरी जिया को आरती कैसे याद है? पता नहीं कब मैं सीख लिया, गा अच्छा रही है। हाँ, जिया अच्छा गाती है। क्या हो रहा है जिया? तुम यहाँ? तो फिर भागो ने। तुम्हें आरती याद है? हाँ, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, दुर्गा जी की, सबकी आरती है। आप जब भी कहेंगे मैं आपके लिए कहा दूंगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा, चुनौती पर खरी उतरूंगी मैं अर्जुन,
रिन्नी के सामने तुम मुझे कितना भी बुरा साबित करने की कोशिश करो, पर मैं बेस्ट मॉम और बेस्ट बहू बनकर ही दिखाऊंगी। एड्रेस भेजा है, सो सॉरी। बिन्नी, मेरी साड़ी कैसे लगी? कुछ कहा नहीं तुमने? मॉम, मुझे बहुत ही एक अर्जेंट काम है, आई हैव टू लीव। ओके, अरे सुनो, एटलीस्ट ये तो बताओ कि मॉम ने आरती कैसे की। सुपर मॉम, आपकी साड़ी, आपकी आरती, एवरीथिंग। ओके, now I have to leave. नहीं, जल्दी में कहाँ जा रही है ये? आरती भी तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। आज तक तो कभी मंदिर में पैर नहीं रखा तुमने। अच्छा है, तुम्हारे बहकावे में नहीं आई। वैसे सबसे कुछ हासिल नहीं होगा। किसको क्या हासिल होगा? ये तो वक्त ही बताएगा अर्जुन। वैसे वक्त का काफी अच्छा इस्तेमाल किया है तुमने। चलो, इसी बहाने आरती कर ली। हो सकता है फ्यूचर में बिना किसी मतलब के, बिना किसी चाल के कोई और काम भी कर दो। शांति शांति। जरूर बिन्नी किसी प्रॉब्लम में है। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो बिन्नी बताती, हमें नहीं तुझे तो बता देती। हाँ, और आज तो वो बल्कि ठीक लग रही थी, बाकी दिनों के हिसाब से खुश लग रही थी। हाँ, एक्चुअली हम दोनों आज लंच पर जाने वाले थे, तो पता नहीं अचानक ऐसा क्या काम आ गया कि बिन्नी जल्दबाजी में चली गई। समझ नहीं आई मुझे, दिक्कत क्या है? इस बात की कि तू लंच पे नहीं जा पाए, या इस बात की कि बिन्नी के साथ नहीं जा पाए? भाई आप भी ना, बट कोई तो बात है जो बिन्नी को परेशान कर रही है। भाई जो भी है, निशा का बदला रंग देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है। वैसे अर्जुन, तुमने क्या अपने रूम का हाल बनाया हुआ है? सब कुछ फैला के रखा है। अब कल को हमारी शादी होगी, हम रूम शेयर करेंगे, तो मैं ऐसे रहूंगी क्या? हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ। तुम अगर गंद मचाओगे ना तो सफाई तुम्हें करनी पड़ेगी, मैं साफ नहीं करूंगी। वैसे अर्जुन, एक बार जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और बिन्नी मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, तो हम फैमिली हॉलिडे पे चलेंगे। ओके? हाँ, ओके, जैसा तुम कहो। मैं तो वैसे भी जोरफ का गुलाम हूँ। भाई जल्दी बता दो जिया को सब कुछ। क्या क्या करवा रहा है ये जिंदल परिवार मुझसे? पर बस, अब और नहीं। इसलिए निशा, जल्द से जल्द तुम्हें कुछ नया सोचना होगा, कुछ नया। ये क्या कर रहे हो तुम? लिसन, मुझे अभी की अभी मेरी ओरिजिनल फोटोज चाहिए। सुना तुमने? नो 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 बेब्स। हाउ डेयर यू? अब इतनी जल्दी क्या है? एक मिनट रुको।
हुसैन, what the hell is this? तुम जैसी खूबसूरत लड़की का फायदा तुझे भी तो हो। क्या बोल रहे हो तुम? और जो तुम फोटोशूट में करती हो ना, आई मीन फोटोशूट, बस उसी की वीडियोस बना के बेचूंगा और इसमें हम दोनों का फायदा होगा। तुम फेमस हो जाओगी और मुझे मुझे पैसा मिलेगा, है ना? तेरे परिवार ने मेरा करियर बर्बाद कर दिया और अब मैं तेरे परिवार को बताऊंगा कि बर्बादी होती कैसे। तुम नहीं जानते कि मेरी मॉम कौन है। कैसी मॉम? यहां तुम आई अपनी मर्जी से हो और जाओगी मेरी मर्जी से। कितना भी भाग लो यहाँ से जा नहीं पाओगी क्योंकि तुम इस वक्त नशे में हो। इस स्टूडियो में घुसते वक्त तुमने दरवाजे को छुआ जिससे एक स्प्रे निकला और उसका असर अब तुम पे हो रहा है और उसके 5 मिनट बाद तुम्हें कुछ नहीं पता होगा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा। मुझे प्लीज जाने दो। यहाँ मेरे अलावा तुम्हारी चीखें कोई सुनने वाला नहीं। तुम आई हो अपनी मर्जी से और अब जाओगी मेरी मर्जी से। बड़ी फिक्र है इसकी, तेरा बिस्तर गर्म किया इसने। चल निकल यहां से, इससे पहले तुझे उठने के लायक ना छोड़। और वैसे तो कपड़े बहुत अच्छे से उतारती है, चाहे फोटोशूट हो या फिर इसी लड़के का मन बहलाना, और अब शरीफ होने की ये एक्टिंग कर रही है। छोड़ दो उसे।
बिनी 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 आके खोलो बिनी। वहां भी नहीं है। चलो कुछ पता चले तो मुझे फोन करना प्लीज। बिन्नी का फोन भी अनरीचेबल आ रहा है। आकाश का कुछ पता चला? नहीं, वो जिस लाइब्रेरी जाता है वहां मैंने फोन किया था, वहां भी नहीं गया आज। मुझे फोन नहीं लग रहा है, कहाँ है? कहाँ पता नहीं, साथ में है भी या नहीं। आकाश कह रहा था कि बिन्नी पहले चली गई थी। अर्जुन, क्या हुआ? कहीं निशा को आकाश के बारे में पता तो नहीं चल गया? बिनी चौके, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये लो पानी पी लो, बेटर फील होगा। मेरा पर्स कहाँ है? एक मिनट, ये लो। जाने कितने सारे पकवान बन रहे हैं आज घर में। देखिए ना दादी, मम जब भी कुछ नया करने जाती है कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ओ कम ऑन चिराग, तुम देख नहीं सकते मैंने सबकी पसंद के पकवान बनाए, सबकी पसंद को ध्यान में रखा है। ओहो सासू माँ, 25 साल पहले भी आप मुझसे ही काम करवाती थी, मैं तब भी घर को अच्छे से ही संभालती थी। एनीवे, आज 25 साल बाद मुझे दोबारा मौका मिला है इस घर को अपने तरीके से संभालने का, और वो मैं बहुत अच्छी तरीके से करूंगी। आपके आशीर्वाद की जरूरत है। क्या ये भी दिखावा कर रही हो तुम? ये रिकॉर्ड कर रही हो तुम? करना पड़ेगा ना, आपको मेरे काम की कदर तो मैंने। और कितनी एक्टिंग करोगी निशा? तुमसे ही सीखी है। ये ड्रामा बंद करो, बिन्नी घर पे नहीं है अभी। पानी का पैसा दे दीजिए। वो कितने हुए? 50 रुपए। आकाश को सब पता चल गया, वो कितना अपसेट है मेरे से, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है। बिनी, तुम क्या कर रही हो? टैक्सी क्यों रोक रही हो? ताकि तुम्हें मेरा चेहरा नहीं देखना पड़े, इसलिए। क्या? हाँ, वो पिक्चर्स देख लिए ना तुमने, तुम्हें तो सब पता ही है, और तुमने ही तो कहा था मुझे कि मेरा बिहेवियर लोगों को इनवाइट करता है मुझसे बदतमीजी करने के। तुम्हें तो ऑलरेडी लगता है ना कि मैं बहुत बुरी हूँ,
बहुत बुरी।